हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज 8 जून है, यानी कि 8th जून। तो इस 8 जून में हम दो ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं वर्ल्ड वाइड। वन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड द सेकंड वन इज वर्ल्ड ओशंस डे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर डे ये आपका जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा सेलिब्रेशन इसका किया जाता है, और ये पहली बार जो हुआ था इट इज़ ऑन द 8th जून ऑफ 2000 में पहली बार ये ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट हुआ था। ये ब्रेन ट्यूमर के डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये मेनली आपका इसका जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि इसका जो ये इतना फर्टाइल डिजीज़ है जिसकी वजह से आपका 95% लोगों का आपका डेथ जो है कि एक साल के अंदर हो जाते हैं। ओनली अप्रोक्सीमेटली 5% पीपल्स होते हैं ऐसा जो 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं ट्रीटमेंट के साथ। तो इसकी जो डेथ का रेट और इसकी जो सीरियसनेस को देखते हुए जर्मन जो ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने इसको सेलिब्रेट किया, ताकि टू इवोक अवेयरनेस एंड consideration for the people who are suffering from various kind of tumor globally, so that ये awareness लोगों तक और उनकी family तक पहुँचे। अगर हम brain tumor की बात करें, tumor बोलते ही इसका meaning है जो extra growth of cells in the any part of the body। अगर body में किसी part में extra growth है cells की, उसको हम tumor बोलते हैं। अगर वही extra growth आपके brain के अंदर हो रहा है तो फिर उसको हम brain tumor का नाम देते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, लगभग 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख लोग इसमें पीड़ित थे। अगर 2021 की बात करें, लगभग ऐसे मार्क्ड किए गए हैं यूएस में लगभग 84,000 यूएस में ही ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में पॉपुलेशन इस ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। तो इसके बारे में जागरूकता या अवेयरनेस शुड बी देयर इन एवरी विद इन एवरी पीपल। सो इसीलिए इट्स ए आई थिंक इट्स ए गुड स्टेप टूवर्ड्स द अवेयरनेस ऑफ सच डिजीज। तो अभी हम बात करते हैं ओशंस डे के बारे में, वर्ल्ड ओशंस डे। इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड ओशंस डे, सो ये जो वर्ल्ड ओशंस डे है, ये इसका प्रपोजल फर्स्ट टाइम कनाडाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट एंड द ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा अर्थ समिट में रखा था। यूएन कॉन्फ्रेंस का एक अर्थ समिट हुआ था, दैट इज इन ब्राज़ील 2092। उसमें उन्होंने ये प्रपोजल रखा था, देयर शुड बी अ डे टू सेलिब्रेट और रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द ओशंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सो इसका बट अप्रूवल होने तक काफ़ी टाइम लग गया था, तो यूएन ने इसको 2008 से अप्रूवल किया। सो सिंस 2008 वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ओशंस डे ऑन द 8th जून। सो इट्स द मेन थीम इज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका इम्प्लीमेंट करना और ओशंस को पॉल्यूशन से बचाना, इसका मेन आपका थीम या बोल सकते हैं इसका मेन मोटो है। अगर हर साल इसका एक आपका थीम रहता है, तो 2021 का जो थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। द एम ऑफ दिस ईयर्स कैंपेन इज टू शेड लाइट ऑन द वंडर ऑफ ओशन एंड हाउ इट इज आवर लाइफ सोर्स सपोर्टिंग ह्यूमैनिटी एंड एवरी अदर ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ। थीम ऑफ 2022 इज रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। और इफ वी टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इन न्यूयॉर्क यूएस। सो दिस मच फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।